एक अच्छी फोटोग्राफ खींचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक अच्छे कैमरा की, एक अच्छे लेंस की। पर एक अच्छी फोटोग्राफ क्रिएट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक कैमरा की, एक लेंस की और एक अच्छे मॉनिटर की। क्योंकि आप पिक्चर्स जो खींचते हैं वो अपने कैमरा में खींचते हैं, लेकिन उसको देखते कहाँ पर हैं आप, एडिट कहाँ पर करते हैं? एक अच्छे मॉनिटर के ऊपर। अगर आपका मॉनिटर आपको सही कलर्स नहीं दिखाएगा, आप अपनी पिक्चर्स को अच्छे से एडिट नहीं कर पाएंगे और अच्छी इमेज को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉनिटर की जिसको वर्ल्ड के सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इस्तेमाल करते हैं, कलर एक्यूरेसी के अंदर या ब्लैक रिप्रोडक्शन के अंदर। दिस मॉनिटर इज द बेस्ट। एक कमर्शियल क्योंकि फोटोग्राफर के लिए कलर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने हर शूट से पहले अपने कैमरा के अंदर कस्टम वाइट बैलेंस सेट करता हूँ और बहुत एक्यूरेटली सेट करता हूँ, पर जब भी मैं अपनी इमेजेस को मॉनिटर्स पे देखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मुझे नज़र आ रही होती है। मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर उतने एक्यूरेट कलर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे जितने कि मेरे कैमरा के अंदर मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके के मॉनिटर्स को ट्राई किया है। मैंने आई मैक को ट्राई किया है, मैंने डेल के मॉनिटर्स को ट्राई किया है, एक्सपेंसिव बैनक्यू मॉनिटर्स भी मैंने ट्राई किए हैं। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अपने मॉनिटर्स को कलर कैलिब्रेट करने के लिए, पर उसके बाद भी जो रिजल्ट्स, जो एक्यूरेसी मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिली। जब मैंने 12 साल पहले अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, तब मैंने एक ब्रांड का नाम सुना था जिसका नाम था ईजो, और ये वो ब्रांड है जिसको कि हर प्रोफेशनल फोटोग्राफर रिकमेंड करता है। उस टाइम पर ईजो की मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, बैनक्यू, डेल या बाकी मॉनिटर्स भी सेम तरीके के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन पोस्ट प्रोसेसिंग, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए एक्यूरेट, एक अच्छा मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे अनबॉक्सिंग ईजो मॉनिटर की, और मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा उसके कुछ ऐसे फीचर्स जिसको जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ईजो मॉनिटर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए। ये है हमारा ईजो कलर एज CG279X मॉनिटर। 27 इंचेस का ये मॉनिटर है। सो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये दिखने में कैसा लगता है। सो इसको अब हम एक बार नीचे रख देते हैं क्योंकि यहां से निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसको हम ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास कुछ केबल्स और ये है हमारे पास स्क्रीन क्लीनर, वेरी गुड। और यहाँ पर ये है हमारे पास पावर केबल। सो अब इसको हटाते हैं और देखते हैं और अंदर क्या है। ओके, आई गेस मैनुअल है, कुछ स्क्रू वगैरह दिए हुए हैं इसमें, एंड दिस इज आई गेस मॉनिटर हुड, वही होना चाहिए। रख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर ये है हमारा मॉनिटर। सो पहले ये सारा सामान एक तरफ कर देते हैं, मॉनिटर की जगह मैं बना देता हूँ यहाँ पर। राइट, सो यहाँ से इसमें ग्रिप दिया हुआ है और ये आया हमारा मॉनिटर। ये इस पे लगी हुई है डेटा शीट, यूनिफॉर्मिटी डेटा शीट है ये। इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं। राइट, सो बेसिकली ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देती है कि ये जो मॉनिटर है वो पूरी तरह से कैलिब्रेटेड है। राइट, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं एंड लेट्स अनकवर दिस ब्यूटी। सो ये है हमारा ईजो कलर एज 27 इंचेस मॉनिटर। राइट, इसके यहाँ से ये भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारे पास में पावर केबल। इसको खोल लेते हैं क्योंकि अब हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। राइट, तो पावर केबल, और इसको हम बाद में खोलेंगे। जैसा कि बताया था मैंने आपको कि ये स्क्रीन क्लीनर है। राइट, सो ये है हमारे पास थंडरबोल्ट केबल, जिसको आप USB-C केबल भी बोल सकते हैं। तो एक सिंगल केबल से हम इस मॉनिटर को कनेक्ट कर लेंगे मेरे मैकबुक प्रो के साथ में। नाउ लेट्स ओपन दिस बॉक्स। ओके,
जितने भी प्रोफेशनल मॉनिटर्स होते हैं उन सभी मॉनिटर्स के साथ में मॉनिटर हुड आता है, जिससे कि अननेसेसरी लाइट जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ना पड़े। इसको अभी हम खोल लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर ये एक यूज़र मैनुअल दी हुई है, अभी इसको निकाल देते हैं। ओके, सो इसको हम बाद में लगा के देखेंगे, अब सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं इस मॉनिटर के साथ। ब्यूटीफुल, जो कलर्स हैं इसके वो बहुत अमेजिंग हैं। बाकी मॉनिटर्स के ऊपर भी मैंने कलर्स देखे हैं। अभी तक मैं BenQ का मॉनिटर यूज़ कर रहा था, SWPT27 आई गेस, और जो कलर्स में जो इमीडिएटली जो ड्रास्टिक चेंज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर मैंने जो अभी आप वॉलपेपर मेरे देख रहे हैं, ये बेसिकली मैंने अपने निकॉन के Z6 II कैमरा से ऐसे ही हैंड हेल्ड लिया था, और वहाँ पे जो ये पिक्चर मुझे BenQ के मॉनिटर पे दिखाई देती थी उस पर इतना मज़ा नहीं आता था, और यहाँ पर मुझे ये पिक्चर एक्चुअली ऐसे दिख रही है कि मैं इसका फ्रेम बनवा के टंगवाना चाहूँगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे मॉनिटर हुड लगा करके दिखाता हूँ। सो इट्स अ मैग्नेटिक मॉनिटर हुड। यूजुअली जो मॉनिटर हुड्स आते हैं उनको फंसाना पड़ता है, पर इसमें मैग्नेटिक दिया गया है, तो एक बार देखते हैं कि कैसा लगता है यहाँ पर और कितना आसानी से हम इसको लगा पाते हैं। राइट, सो बहुत इजी है इसको लगाना। यूजुअली जो दूसरे मॉनिटर्स होते हैं उसमें जब आप मॉनिटर हुड लगाते हैं तो उसको फंसाना पड़ता है, टाइम लगता है, पर यहाँ पर क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो बहुत इजीली फिट हो गया है ये यहाँ पर। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप मॉनिटर को बहुत आराम से देख पाएँ। एंड देखा आपने कितना ईजी है इसको लगाना और इसको हटाना। सो दिस इज़ आवर मॉनिटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स फीचर। सारे फीचर्स मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊँगा क्योंकि जब मैं इसको प्रॉपरली यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट रिव्यू ऑफ दिस मॉनिटर। इस मॉनिटर में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लगा कि इस मॉनिटर के अंदर इनबिल्ट कैलिब्रेशन सेंसर है। यूजुअली क्या होता है कि आपको अपना मॉनिटर अगर कैलिब्रेट करना है तो आपको सेपरेट कैलिब्रेशन सेंसर लेना पड़ता है, उसके बाद आप उसको इस पर हैंग करोगे, उसको कैलिब्रेट करोगे, इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स। बट इस ईजो मॉनिटर के अंदर वो इनबिल्ट सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही मॉनिटर को कैलिब्रेट कर देता है। सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग फीचर इन दिस मॉनिटर। इस मॉनिटर की जो स्क्रीन की जो यूनिफॉर्मिटी है, जो एज टू एज है, जो कलर्स यहाँ दिखाई देते हैं सेम यहाँ दिखाई देते हैं, जो पूरी ब्राइटनेस है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बिल्कुल इक्वल है। यूजुअली मॉनिटर्स के अंदर कहीं ना कहीं एज के ऊपर जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कलर फेड हो जाते हैं या ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ा कम होता है या सेंटर में कम हो जाता है। सो जो इसके साथ में यूनिफॉर्मिटी शीट आई थी उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रॉपरली टेस्टेड है और इक्वली बैलेंस्ड है, पूरे कलर्स इक्वल हैं थ्रू आउट द स्क्रीन। ईजो मॉनिटर की एक और खासियत है वो है इसका ट्रू ब्लैक डिस्प्ले। इसके अंदर जो ब्लैक है वो एक्चुअल में ब्लैक दिखाई देता है। यूजुअली दूसरे मॉनिटर्स के अंदर क्या होता है, जो भी मैं मॉनिटर्स यूज़ करता हूँ उसमें ब्लैक हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं, हमारे को पता नहीं चलता कि पिक्चर कितनी अंडर एक्सपोज हुई है, कहाँ पे कितना डार्क है। वहीं इस मॉनिटर के अंदर जो आपको ब्लैक दिखाई देगा आप एक्चुअली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ द एक्चुअल ब्लैक। इस ईजो CG279X का जो रेजोल्यूशन है वो है 2560x1440 और साथ ही जो इसका कलर गैमेट है वो है 100% Adobe RGB। सो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मॉनिटर है। यूजुअली मॉनिटर्स को ट्रू कलर दिखाने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है, तो जब भी हमारे को एडिट करना होता है हम मॉनिटर को ऑन करते हैं, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। वहीं ईजो के जितने भी मॉनिटर्स हैं वो इंस्टेंटली 2 से 3 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं और अपने ट्रू कलर्स दिखाने लगते हैं, तो आप सिर्फ मॉनिटर को ऑन कीजिए और जाके बैठ जाइए और काम करना शुरू कीजिए। सो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वो है वारंटी।
हम जब भी कोई महंगा गैजेट खरीदते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि उसकी वारंटी कितनी है। सो ईजो का जो ये मॉनिटर है वो आता है 5 साल की वारंटी के साथ, और सिर्फ यही मॉनिटर 5 साल की वारंटी के साथ नहीं आता, जितने भी ईजो के दूसरे मॉनिटर्स हैं उन सभी के ऊपर 5 साल की वारंटी होती है। मॉनिटर के ऊपर वारंटी है, इसका जो कलर सेंसर है उसके ऊपर भी वारंटी है। तो आप एक बार खरीद लीजिए और 5 साल तक के लिए टेंशन फ्री होकर के बैठिए और सिर्फ अपना काम कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए ईजो CG279X के कुछ फीचर्स। इट वॉज नॉट अ कम्प्लीट रिव्यू, रिव्यू हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपके पास में कुछ सवाल हैं तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।